हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेचुर केयर प्लस। फ्रेंड्स, बालों की बढ़ती समस्याओं का कारण बालों की ग्रोथ उस तरीके से नहीं हो पाती है जिस तरीके से पहले के ज़माने में हुआ करती थी। बालों की ग्रोथ रुकने का कारण बालों में अलग अलग तरह के केमिकल का प्रयोग, बालों में किए जाने वाले अलग अलग प्रयोग जैसे कि कलर, स्ट्रेटनिंग या फिर कोई और स्पा वगैरह करने से हमारे बालों की जो जड़ें होती हैं वो जड़ों के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है उसकी लिमिटेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे बालों की ग्रोथ कम होने लगती है और धीरे धीरे ये बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। दोस्तों, अगर आप भी अपने बालों को लंबा, घना और मज़बूत करना चाहते हैं और अपने बालों की ग्रोथ को इतना लंबा करना चाहते हैं कि वो आपके घुटनों तक भी आ जाए, तो उसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और हमारे चैनल नेचुरल केयर प्लस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पर है चाय पत्ती। दोस्तों, यहाँ पर एक टीस्पून हमारे पास चाय पत्ती है। इस चाय पत्ती का हम इस तरीके से यूज़ करेंगे कि इसके अंदर हम 2 चम्मच गर्म उबला हुआ पानी डालेंगे। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है पानी गर्म होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 चम्मच मैं गर्म पानी इसमें डाल रहा हूँ और इसे अब थोड़ा सा मैं मिक्स कर लूँगा। दोस्तों, चाय पत्ती हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख दूँगा, तब तक कि मैं दूसरा इसका स्टेप पूरा कर लूँगा। इसके लिए मैं यहाँ पर एक खाली बाउल लूँगा, एक कटोरी लूँगा। इसके अंदर मैं डालने वाला हूँ 3 चम्मच दही के। दही यानी कर्ड है और ये फेटा हुआ दही है। आपको ध्यान रखना है दही के अंदर पानी की मात्रा नहीं होनी चाहिए। दही या तो आप कपड़े में लपेट कर किसी मसलिन क्लॉथ का यूज़ करके उस दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर घर की जमी हुई गाढ़ी दही हुई तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 चम्मच मैंने गाढ़ी दही के लिए हैं। इस 3 चम्मच दही के अंदर हम डालेंगे दोस्तों शिकाकाई पाउडर। ये दोस्तों शिकाकाई पाउडर है, ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान, जनरल स्टोर या फिर किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर में आपको आसानी से मिल जाएगा। 20 से 30 रुपए का पाउडर आता है और तो और ये साबुत भी आती है, लेकिन पाउडर का इस्तेमाल करना हमारे लिए यहाँ पर ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा क्योंकि ये घर पर आसानी से पीस नहीं पाती है। इसलिए यहाँ पर 1 चम्मच मैं शिकाकाई पाउडर का यूज़ करूँगा। शिकाकाई पाउडर हमारे बालों की नेचुरल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। यह हमारे बालों की जड़ों में ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करता है। अब मैं इसके अंदर डालूँगा कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में विटामिन ई की मात्रा होती है जिसकी वजह से हमारे बालों की ग्रोथ भी तेज़ी से बढ़ती है, जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ही मैं यहाँ पर नारियल का तेल का इस्तेमाल करूँगा। दोस्तों, हमने यहाँ पर 3 चीज़ें मिला ली है। अब हम इसके अंदर 4थी चीज़, जो हमने ये चाय पत्ती का पानी बनाया है, इस पानी को हम इसके अंदर डालेंगे। उससे पहले, इसमें डालने से पहले हम इसे एक बार अच्छी तरीके से किसी चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर का जो भी कस है वो इस पानी के अंदर आ जाएगा, इसका जूस इस पानी के अंदर आ जाएगा। इसे अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसका जो जूस है उस जूस को हम इस मिक्सचर के अंदर ऐड करेंगे। इस तरीके से आपको इसे धीरे से डालना है ताकि सिर्फ और सिर्फ इसका जूस जाए, पत्ती इसके अंदर ना जाए। आप चाहे तो चाय पत्ती को पीस कर भी उसका जूस निकाल सकते हैं, लेकिन ये आसान तरीका है जो कि आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। अब हम इन चारों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ पर दही का इस्तेमाल किया है, शिकाकाई का इस्तेमाल किया है, नारियल के तेल का इस्तेमाल किया है और चाय की पत्ती का इस्तेमाल किया है। ये चारों ही नुस्खे, ये चारों ही इंग्रेडिएंट पुराने ज़माने में अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए यूज़ में लिए जाते थे, लेकिन आजकल तेल, शैम्पू वगैरह इन सब चीज़ों के भ्रम और विज्ञापन के कारण लोग इन चीज़ों से दूर हो चुके हैं। पुराने ज़माने के लोग इन चीज़ों का यूज़ करते थे अपने बालों की लंबाई को बढ़ाने के लिए, लेकिन आजकल लोगों को किसी तरह के कैप्सूल या फिर किसी तरह के शैम्पू का यूज़ बताया जाता है कि इनके इस्तेमाल से आपके बाल लंबे, घने, मजबूत हो गए, जबकि वो उनके बालों को और ज़्यादा नुकसान करते हैं क्योंकि उनके अंदर मौजूद केमिकल्स हमारे बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। अब इस नुस्खे को बनकर तैयार हो चुका है ये नुस्खा। अब इसको इससे लगाना कुछ इस तरीके से है, अगर यदि आप पुरुष हैं तो आपको इसे अपनी जड़ों से लेकर सिर तक इसे लगाना है, यानी बालों के सिरे तक आपको इसे लगाना है अच्छी तरीके से। लेकिन अगर आप एक महिला है और आपके
बाल लंबे हैं तो आपको इसे जड़ से लेकर अपने बालों के 2 से 3 इंच की ऊपर की तरफ आपको इसे लगाना है। आप पूरे बालों में इसे ना लगाएं, सिर्फ जड़ से लेकर 2 से 3 इंच ऊपर की तरफ आपको इसे लगाना है बालों के ऊपर। इसे लगाने के बाद आप बालों को ठंडे पानी से धो लीजिए। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नेचुर केयर प्लस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।